Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. In this video, I am going to solve the exercise of unit 4, beginning of civilization, of social studies book 4. Let's start. Short questions answer. Question is, what is the meaning of history? Answer is, history refers to the knowledge that provides a chronological record of past events. जी, तारीख का मतलब क्या है? तारीख से मुराद वो इल्म है जो माजी के वाकयात का तारीखी रिकॉर्ड फ्राहम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन? आंसर इज, मेसोपोटामिया टाइम इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. जी, कौन सी तहजीब को तहजीबों का गहवारा कहा जाता है? मेसोपोटामिया तहजीब को या उसके वक्त को तहजीबों का गहवारा कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर फिरौन्स? आंसर इज, द सिस्टम ऑफ मोनार्की वाज प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट इजिप्ट. द रूलर्स हियर वर कॉल्ड फिरौन्स. फिरौन कौन थे? कदीम मिस्र में बादशाहत का निज़ाम राज था. यहाँ के हुक्मरान फिरौन कहलाते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द वर्ल्ड्स अर्ली सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स? आंसर इज, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेटलमेंट्स वर सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स वेयर देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ वाटर which man used for daily necessities and irrigation. He could catch fish from the rivers. Due to their dependence on water, man started building mud huts and houses along the river. These houses began to be used as permanent residences. जी, दुनिया की इब्तदाई बस्तियां दरियाओं के किनारे क्यों कायम हुईं? दुनिया की पहली बस्तियां, जो शुरू वाली बस्तियां इब्तदाई थीं, वो दरियाओं के किनारे आबाद हुईं जहां पानी की वाफर मकदार थी, जिसे इंसान रोज़मर्रा की ज़रूरियात और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करता था. वो दरियाओं से मछली पकड़ सकता था. पानी पर इंसार की वजह से इंसान ने दरियाओं के किनारे मिट्टी की झोंपड़ियाँ और घर बनाना शुरू कर दिए और ये मकानात मुस्तकिल रिहाइशगाहों के तौर पर इस्तेमाल होने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Describe the silent features of the Egyptian civilization. Answer is, the silent features of Egyptian civilization are as follows. Egyptian civilization flourished in Egypt on the bank of the Nile. The Nile was an important source of income and trade. The flood in the Nile River every year brought with fertile soil, which made the plains of the Nile Valley fertile. The people who lived here used to cultivate grains in these fields. Wheat and barley were the main crops here. जी, साइलेंट फीचर क्या है तहजीब के? मिस्री तहजीब की नुमाया खसूसियात जो हैं वो ये हैं कि मिस्री तहजीब मिस्र में नील के किनारे परवान चढ़ी. दरियाए नील में आमदनी और तजारत का एक अहम ज़रिया जो है ये था. दरियाए नील में आने वाला सैलाब हर साल अपने साथ ज़रखीज़ मिट्टी लाता, जिससे वादी नील की मैदानी इलाकों को ज़रखेज़ बना देता था. यहाँ रहने वाले लोग इन खेतों में अनाज काश्त करते थे, गंदम और जो यहाँ की अहम फसलें थीं. इसके अलावा आप ये पेज 48 पे लास्ट वाली 3 लाइंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं. दे बिल्ट ह्यूज टॉम्स एंड पैरामिड्स टू कीप ममीज. दीज पैरामिड्स वर डेकोरेटेड विद इमेजेस ऑफ फिरौन एंड स्टैचूज ऑफ गॉड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन.
आंसर इज द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीस लविंग दे हैड माइनर वेपन्स ऑफ वॉर द आर्यन नेशन एंटर्ड द इंडस वैली अराउंड 1500 BC they were nomads and grazed goat in central asia these fighters were powerful and had weapons they captured most of the indus valley and killed many people some of the locals survived and moved to remote areas of the subcontinent it is also speculated that his city was submerged due to repeated floods in the Indus River and he has left his hometown and moved to other areas thus the civilization of Indus Valley declined Wadi Sindh ki tehzeeb ke zawal ki wajuhat hum dekhte hain Wadi Sindh ke log aman pasand the inke paas jang ke mamooli hathiyar the aryai qoum 1500 BC mein आस पास वादी सिंध में दाखिल हुई और वो खाना बदोश थे और वस्ती अशिया पर जो है ना बकरियां चराते थे ये जंगजू ताकतवर थे और असलहा रखते थे उन्होंने वादी सिंध के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया और बहुत से लोगों को कत्ल किया कुछ मुकामी लोग जिंदा बच गए और बरसगीर के दूर दराज इलाकों में चले गए ये भी कयास किया जा रहा है किसका शहर दरियाए सिंध में बार बार आने वाले सैलाब की वजह से डूब गया था और वो अपना आबाई शहर छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए यूं वादी सिंध की तहजीब जवाल पजीर हुई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर मेसोपोटामियन द इजिप्टियन द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द मॉडर्न वर्ल्ड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन रिटन फॉर्म Answer is there is a significant difference between Mesopotamian the Egyptian valley and the Indus valley civilization do not compare to the present today compare with the modern day theek hai na modern age people of these civilizations at that time worshipped gods, idols, and various animals, including elephants, rhinoceros, marhor, cows, etc. are at the top. But in modern age, all these civilizations have died here, and most of these places are inhabited by Muslims. The Mesopotamian इजिप्टन्स और इंडस वैली तहजीबों का जदीद दुनिया से मुआवजा करें और अपने मुशाहदे को तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड दें जी मेसोपोटामियन बड़ी मुश्किल से ये वर्ड जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है मुझसे असल में कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो मेरे वोकल कॉर्ड्स इकट्ठी जब वो किसी वर्ड में आए तो प्रोनाउंस नहीं कर पाते इसलिए सॉरी फॉर दैट वादी मिस्री और वादी सिंध की तहजीबों में नुमाया फ़र्क मौजूदा दौर के मुकाबले में हम इनको इनमें नहीं इनको कंपेयर कर सकते इस वक्त इन तमाम तहजीबों के लोग उस वक्त जो है वो देवताओं की मुख्तलिफ जानवरों की पूजा करते थे जिनमें हाथी गेंडे मारखोर और गाय वगैरह शामिल थे लेकिन जदीद दौर में ये तमाम तहजीबें यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी हैं मर चुकी हैं और इन जगहों में बेशतर जगह हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो आकर आबाद हो गए हैं Question 3. Complete the given table by comparing the Mesopotamian, the Egyptian, and the Indus Valley civilizations. इनका हमने religion, occupations, buildings, art and crafts जो है वो mention करने हैं पहले है Mesopotamian बल्कि Mesopotamia है इनमें religion क्या है idol worship है ऑक्यूपेशन में आप कर लें फार्मिंग एंड फिशिंग कर लें बिल्डिंग में कर लें आप हेकल फिर हमारे पास इजिप्टन सिविलाइजेशन में रिलीजन इनका आइडल वर्शिप है ऑक्यूपेशन में फार्मर्स थे ये बिल्डिंग्स में आप अहराम मिस्र लिखेंगे